अभी दरबार आपके इल्म में है कि अगर हमारा मुल्क सैलाब की लत में है, हमारे मुल्क का 90% हिस्सा जो है ये सैलाब में गिरा हुआ है और बहुत से लोगों की जाने जाया हुई, अल्लाह ताला की बख्शिश फरमाए, माल मवेशी तबाह बर्बाद हो गए, नुकसान होता है, पहाड़ वो सैलाब बहाकर से गया। तो लेकिन इससे के अलावा एक अलमिया है और वो ये है कि हमारी कौम, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान वो अभी भी अपनी ही टांगे खींचने में, एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम लगाने में, एहतजाज की काल देने में या वो बैरून मुल्क दौरे करने में ही लगे हुए हैं। ऐसे ही किसी शायर ने एक नज़म पेश की है, कहते हैं किथे ने इमरान वगैरह, किथे ने इमरान वगैरह, डूब गए जे इंसान वगैरह, जरदारा दे शहर भी आए, जरदारा दे शहर भी आए, पानी दे तूफान वगैरह, शहबाजा नू कौन जगावे, शहबाजा नू कौन जगावे, कौन करे ऐलान वगैरह, डूब गए जे इंसान वगैरह, ना लभ्या परवेज इलाही, ना लभ्या परवेज इलाही, ना कोई उस्मान वगैरह, डूब गए जे इंसान वगैरह। मौलाना डीजल नू लभो छड्डे कोई फरमान वगैरह, डूब गए जे इंसान वगैरह, मलिक रियाज नू मैसेज भेजो लेके आवे दान वगैरह, शाह महमूद ते पीर गिलानी, शाह महमूद ते पीर गिलानी, टुल गए ने गिलान वगैरह, और NDMA सुत्ती रह गई, NDMA सुत्ती रह गई, कौन बचांदा जान वगैरह, डूब गए जे इंसान वगैरह, मौत कोलैनी खो लैंदी है, मौत कोलैनी खो लैंदी है, कौनता तो मुस्कान वगैरह, कौन संभाले मजबूरां नू, कौन संभाले मजबूरां नू, कौन करे एहसान वगैरह, होर न उंगल चुक शाकिर, मारनगे दरबान वगैरह।